आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में युवा कल्याण प्रादेशिक विकास दल विभाग द्वारा चरगावा सीएससी पर पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रणविजय सिंह द्वारा युवक महिला मंगल दलों को खेल प्रोत्साहन सामग्री का वितरण तथा सफाई कर्मियों को सम्मानित करने के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से खेलो इंडिया खेलों के तहत उत्तर प्रदेश के हर गांव में जिम की व्यवस्था, खेल मैदान की व्यवस्था, मिनी स्टेडियम की व्यवस्था कराने की योजना बनाई है। उन्होंने बताया कि गांव में जब युवाओं को इस तरह की व्यवस्था उपलब्ध होगी तो जिससे अपने आप को जोड़ करके देश की सेवा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 से खेल के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी है। इस अवसर पर चरगावा के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रणविजय सिंह सहित डॉक्टर नर्स मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह ने कहा, और जहां ट्रायल में जा रहे हैं वहां उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो अपने ट्रायल में सफल हो। तृतीय स्थान प्राप्त सत्य माधव को पुरस्कार प्रदान करते हुए स्वच्छता के एक नए आवरण के आधार पर काम कर रहा है, कर्मियों का स्वागत हो रहा है, ताली बजा। आप सभी लोगों से निवेदन है कि ताली बजाकर के राम लवण जी सम्मानित होते हुए श्री बबलू यादव जी श्री विद्यासागर जी बारी बारी से आप सभी लोग जिनका जिनका नाम बोला गया है आप आ जाएं। प्रदीप कुमार जी, अवनीश जी, मनोज जी, पद्माकर सिंह यही खड़ा के तीसरा है ठाकुरपुर से संजय जी डॉक्टर नंद कुमार साहब द्वारा नेतृत्व की, रीता भारती सोनवर साहब ठाकुरपुर नंबर दो, इनको पुष्ट का किट वितरण किया जा रहा है। जो यहाँ पर किट का जो वितरण हुआ है तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेल भी एक माध्यम है और योगा भी एक माध्यम है कि योग के माध्यम से भी हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। देखिए, मैं तो अगर ये कहूँ कि बहुत से ऐसे विभाग थे जो विलुप्त हो गए थे, और मैं कह सकता हूं कि चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश रहा हो या खेल कूद में रहा हो, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में 2017 से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से आप देख रहे होंगे कि खेलो इंडिया खेलों के तहत किस तरह से उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हर गाँव में जिम की व्यवस्था कराना, ओपन जिम की व्यवस्था कराने के लिए, खेल कूद मैदान की व्यवस्था कराने के लिए, मिनी स्टेडियम के लिए, कि जब हमारा युवा गांव में जब उनको ये सब व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएगी तो उससे वो अपने आप को जोड़ करके वो बच्चा जब वहां पर वो लाभ प्राप्त करेगा तो निश्चित है आगे चल करके वो देश की भी सेवा कर सकता है और समाज की भी सेवा कर सकता है। तो उस क्रम में बहुत बड़ी योजना कि हर गाँव में जो ओपन जिम देना, मिनी स्टेडियम बनाना, ये हो रहे हैं हमारे वहाँ, तो जहाँ जहाँ ज़मीनें लोग उपलब्ध करा रहे हैं ये सारी व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में 2017 से जिस तरह से खेल के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी है, और जो हमारे वहाँ मैंने कहा कि जो पर्यटन विभाग आज जो है पूरे प्रदेश में जिस तरह से हर जो हमारे मंदिर थे, चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर रहा हो,
या अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर रहा हो, ये सारे के सारे जो भी काम हुए हैं पहले की सरकारों में कहीं न कहीं इन सब चीज़ों का अभाव रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ये सारे के सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और होने भी चाहिए। यह हिंदू समाज के लिए और देश के लिए लाभकारी है।